आजादी आई 1947 में 90 साल लाग गए रे बुढ़ियो सर कटाएंगे रोलरा तले पीस दिए पेड़ के वाग दिए बर्बाद कर दिए फांसी तोड़े गए काला पानी तारे गए लेकिन उल्टा कदम नहीं हटाया क्या कहा हमारे जवानों को उस सड़क के ऊपर लटका के अंग्रेजों ने रोलर फेर दिया उठे कोई नहीं रहे लोगो आरहने मेरा बरगे पानी की कैंदर चल रही थी पेशाब करे थे लड़ना भी घोड़ा में भेड़िया जाकर वैसे देश मजाती नहीं आई देश मजाती जाने के लिए खून बहा था साथियों सर कटवाया था भगत सिंह चंद्रशेखर लाला लाजपत राय उत्तम सिंह बिस्मिल झांसी की रानी राजगुरु सुखदेव मंगल पांडे जैसे वीरों ने लड़ाई लड़ी 7,32,000 मानस जिसका इतिहास में नाम है एक इतिहास में नाम है छत्रगाम के 45 थे भाई उसमें लेकिन नाम याद नहीं इतिहास में तो नाम है मास्टर जी नाम नहीं हम के नाम थे और कौन सा परिवार में थे थियो मैंने पढ़े है किताब में खिठाना का है भाई उसके पास है वह किताब बहुत पुरानी किताब है
लाल सड़क के ऊपर लटिया दिए, रोलर चढ़ा दिया, उठे गुनिया कौन है तुम आदमी? आसी के अंदर वो लाल सड़क नाम खून से लाल थी, उस टाइम उसका लाल सड़क नाम पड़ा था। और गद्दार उस टाइम भी थे जो भगत सिंह कड़ी आंगली काट के न्यू कह थे ये ले आओगे रे देश मजादी। घड़े मानस न्यू कह महात्मा गांधी जा था जाती कसों का टेंशन को बकरी बहते न रहा। बकरी आगे घास गिरे महात्मा गांधी ने कहा शांति शांति शांति, आठ बालक जैम लिए शांति ने क्रांति जमाई ने खाया एक भी। और क्रांति बिना शर्मद खून लिखने बिना क्रांति कोई नहीं आवे। स्वामी दयानंद को जो साथियों सोने की चिड़िया भारत कहा करते बूढ़े, मैं भारत तो सोने की चिड़िया है, इन राजनीति वाले लोगों ने सोने की चिड़िया की पाख पैड ली, रहता रहते में पैर पीटे है चिड़िया। सोमनाथ का मंदिर सबने जिक्र सुनिया होगा, साथियों लूटा नहीं गया था, लटवाया गया था गद्दारों की तरफ से। जो मेरे वर्गे लुटेरे उसमें बड़े कड़िया हनुमान की मूर्ति थी, कड़िया गणेश की मूर्ति थी, कड़िया शिव जी की मूर्ति थी, वह माल लुटन लग रहे सोना चांदी भारत का। और गद्दार लोग आप देख लेगा हनुमान जी ने, आप देख लेगा बाबा शिवराम गिरी ने, विरोध को नहीं किया उनका। और वह लूट का माल ले गए इस देश का। सच्चाई का साथ दो, अच्छाई की तरफ बढ़ो, बुराई तो पीछे टेम ले लो। एक गोबर में पैर मार के दूसरे के कपड़े धसाएगा किसे टेम बुराई ले सको भाई? लेकिन उस कपड़े पे सफाई लेते हो, साबुन भी लगेगी, पानी भी लगेगा, टेप भी लगेगा, और सफाई आवे आवे ना भी आवे। देखिए और किसके साथ मंगदारी थी, दयानंद के गुरु का नाम था बिरजानंद।
स्वामी दयानंद अपनी कृपा बहन कर रखा करता लोग अपने गुरु बिरजानंद के पास में गए स्वामी दयानंद जी। जब तक गुरु धारण नहीं कर था एक झोपड़ी में बैठा आवाज लगाई बाहर खड़े है के स्वामी दयानंद ने अंदर से आवाज आई कौन बेबे रीवन स्वामी दयानंद ने कहा अगदी फाटक खोलो। अंदर से बिरजानंद ने कहा कौन स्वामी दयानंद ने कहा साथियों यही तो जानने के लिए आया हूं मैं हूं कौन मुझे पता नहीं मैं कौन हूं यही तो जानने के लिए आपके पास में आया। रेड़े मड़े है बाल बधा लो तीन गेड़े काट के पेशाब करो आपको और हमको पता नहीं बूढ़े हम हां कौन कहां से आए थे कहां जाएंगे शरफ इस मेरा मेरी के चक्कर में इस मोह माया ममता के चक्कर में सब सदा एक साइड में त्याग दिया। स्वामी दयानंद ने मोह माया ममता से प्यार नहीं था अंधा था उसका गुरु बिरजानंद जी आंखों से अंधा था। आज की आज घड़ी किताब गंगा में बह दी जब ज्ञान होया कुछ नहीं है सोता भी और मारी महस का भाई अगला पछला दूध आला खड़का हटो रहा हो बजा मेरा एक महीने पीटिया पागल था फिर मैं सारा कुंबा जो घर खो ना आपे आने लगे समीत साहब का 1000 रुपये देना।